तब मसीह यीशु ने उनके लिए, जो स्वयं को तो धर्मी मानते थे परंतु अन्यों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। प्रार्थना करने दो व्यक्ति मंदिर में गए, एक फरीसी था तथा दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी की प्रार्थना इस प्रकार थी, परमेश्वर मैं आपका आभारी हूँ कि मैं अन्य मनुष्यों जैसा नहीं हूँ, छली, अन्यायी, व्यभिचारी और ना इस चुंगी लेने वाले के जैसा। मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दसवां अंश दिया करता हूँ। किंतु चुंगी लेने वाला दूर ही खड़ा रहा, उसने दृष्टि तक उठाने का साहस न किया। अपने सीने पर शोक में प्रहार करते हुए उसने कहा, प्रभु परमेश्वर कृपा कीजिए मुझ पापी पर। विश्वास करो, वास्तव में यही चुंगी लेने वाला धर्मी घोषित किया जाकर घर लौटा, ना कि वो फरीसी। क्योंकि हर एक जो स्वयं को बड़ा बनाता है छोटा बना दिया जाएगा, तथा जो व्यक्ति स्वयं नम्र हो जाता है वो ऊंचा उठाया जाता है। लोग अपने बालकों को मसीह यीशु के पास ला रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें स्पर्श मात्र कर दें। शिष्य ये देख उन्हें डांटने लगे। मसीह यीशु ने बालकों को अपने पास बुलाते हुए कहा, नन्हे बालकों को मेरे पास आने दो, मत रोको उन्हें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। वास्तव में जो परमेश्वर के राज्य को एक नन्हे बालक के भाव में ग्रहण नहीं करता, उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। एक प्रधान ने उनसे प्रश्न किया, उत्तम गुरु, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मेरे लिए क्या करना सही होगा? तुम मुझे उत्तम कहकर क्यों बुला रहे हो? मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी उत्तम नहीं। आज्ञा तो तुम्हें मालूम ही है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का सम्मान करना। इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, उसने उत्तर दिया। ये सुन मसीह यीशु ने उससे कहा, एक कमी फिर भी है तुम्हें, अपनी सारी संपत्ति बेचकर निर्धनों में बांट दो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा, तब आकर मेरे पीछे हो लो। ये सुन वो प्रधान बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ये देख मसीह यीशु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसा कठिन है। एक धनी के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की तुलना में सुई के छेद में से ऊंट का पार हो जाना सरल है। इस पर सुनने वाले पूछने लगे, तब किसका उद्धार संभव है? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, हम तो अपना घर बार छोड़कर आपके पीछे चल रहे हैं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच तो ये है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी घर गृहस्थी, पत्नी, भाई, माता पिता या संतान का त्याग किया हो, और उसे इस समय में कई गुना अधिक तथा आगामी युग में अनंत काल का जीवन प्राप्त ना हो। तब मसीह यीशु ने 12 शिष्यों को अलग ले जाकर उन पर प्रकट किया, हम यरूशलेम नगर जा रहे हैं, भविष्यद्वक्ताओं द्वारा मनुष्य के पुत्र के विषय में जो भी लिखा गया है वो पूरा होने पर है। उसे अन्य जातियों को सौंप दिया जाएगा, उसका उपहास किया जाएगा, उसे अपमानित किया जाएगा, उस पर थूका जाएगा, उसे कोड़े लगाने के बाद वे उसे मार डालेंगे, और वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो जाएगा। शिष्यों को कुछ भी समझ में न आया, उनसे इसका अर्थ छिपा कर रखा गया था। इस विषय में मसीह यीशु की कही बातें शिष्यों की समझ से परे थी। जब मसीह यीशु यरीहो नगर के पास पहुंचे, उन्हें एक अंधा मिला जो मार्ग के किनारे बैठा हुआ भिक्षा मांग रहा था। भीड़ का शोर सुनकर उसने जानना चाहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने उसे बताया, नाजरत के यीशु यहां से होकर जा निकल रहे हैं। वो अंधा पुकार उठा, यीशु, दाविद की संतान, मुझ पर दया कीजिए। उन्होंने जो आगे आगे चल रहे थे उसे डांटा और उसे शांत रहने की आज्ञा दी। इस पर वो और भी ऊंचे शब्द में पुकारने लगा, दाविद के पुत्र, मुझ पर कृपा कीजिए। मसीह यीशु रुक गए और उन्हें आज्ञा दी कि वो व्यक्ति उनके पास लाया जाए।
जब वो उनके पास लाया गया, मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। उसने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने कहा, रोशनी प्राप्त करो। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है। तत्काल ही वो देखने लगा। परमेश्वर की वंदना करते हुए वो मसीह यीशु के पीछे चलने लगा। ये देख सारी भीड़ भी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी।